नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में लोग 20 सितंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे चर्चा करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक और टेलीग्राम पे दोस्तों आप प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ। क्लासेस से जुड़े नोट्स और पीडीएफ आप इंस्टा मोर्चे पर जाकर खरीद सकते हैं। दोस्तों, प्लीज़ आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हम यहाँ पे भी पढ़ाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम कल का सवाल देखते हैं। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। कल का सवाल था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की ओर से जारी मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे कहा जाता है, आपको बताना था कि भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 130वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। और इससे रिलेटेड अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो अलग से मैंने क्लास अपलोड कर दिया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 करके। तो इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन तमाम चीज़ों को मैंने वहाँ पर कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वो क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे कौशल भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सी, ठीक है। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा, इन दोनों को चुन लिया गया है कौशल भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए अभिनेता वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है। दरअसल इनकी एक मूवी आ रही है सुई धागा करके, सुई धागा मेड इन इंडिया, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस मूवी के माध्यम से ये भारत के उद्यमों को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप याद रख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड और चीज़ें देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन हैं। स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर है बिंदेश्वर पाठक, अतुल्य भारत के हैं नरेंद्र मोदी, स्वच्छ साथी कार्यक्रम और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, इन दोनों के हैं दिया मिर्जा ब्रांड एम्बेसडर। पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं मैरी कॉम, साथ ही BSNL के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल में बना दिया गया है मैरी कॉम को। PNB पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के भी ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन, माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित, ठीक है। तो ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, माँ अभियान ये दोनों रिपीट हो गया है। स्वच्छ आदत और स्वच्छ भारत, ठीक है, स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत के जो है ब्रांड एम्बेसडर वो है काजोल, सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार, दरवाजा बंद अभियान ये जो है शौचालय से रिलेटेड है, तो ये इसके भी ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मंजूरी के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, हाल ही में एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है eSahaj, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने ऑनलाइन पोर्टल eSahaj को लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा मंजूरी देने का कार्य करेगा। ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत से सुरक्षा मंजूरी की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और निगरानी में रखा जा सकता है। इससे बाकी अन्य प्रक्रियाओं में भी आसानी होने की उम्मीद है। इससे लोग ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेजों तक पहुंचने और समय पर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। यह पोर्टल राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करने, व्यापार को आसान बनाने और देश में निवेश को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। तो अगर आप पोर्टल सर्च करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और ये हैं राजीव गाबा। तो ये सारी चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में आर्थिक तंगी से उबरने के लिए हाल ही में मिनी बजट पेश किया गया है। तो ऐसा पहली बार हुआ है, ये कौन सा देश है आपको बताना है। दोस्तों, इसका सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान अभी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो इसलिए एक ऐसा जो है नया चीज़ लाया गया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अपना पहला मिनी बजट पेश किया है, इसे वित्त पूरक संशोधन विधेयक 2018 के नाम से भी जाना जा रहा है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, वित्त पूरक संशोधन विधेयक 2018। इसमें आर्थिक तंगी से उबरने के उपाय किए गए हैं। पाकिस्तान के आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक
पाकिस्तान की सरकार व्यापार घाटे और बजट घाटे को कम करने को लेकर बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। मिनी बजट पेश करने का मुख्य उद्देश्य मौजूदा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों को सरल व कारगर बनाना है। अगर बात किया जाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो अभी जस्ट हाल में ही बने हैं ये, इमरान खान, और राष्ट्रपति हैं आरिफ उर रहमान अलवी। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा राष्ट्रपति, और ये हैं इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। तो इतनी सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, चौथा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस विधानसभा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो दोस्तों ऐसा एक नया विधेयक पारित किया गया है गुजरात में, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए यहाँ पे है गुजरात, गुजरात विधानसभा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया गया है। आप याद रखिएगा गुजरात के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे आनंदी बेन, ठीक है। तो उनको जो है मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया, और साथ ही अभी छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल थे कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हो गया, बलराम दास जी टंडन। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ उनको छत्तीसगढ़ का भी कार्यभार सौंपा गया है, ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। गुजरात की राजधानी की बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो रहते हैं जो आप जानते हुए भी यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट भी है गुजरात में है, 1200 किलोमीटर का है वो। दुनिया के 80% जो हीरे हैं वो सूरत में, गुजरात के सूरत में पॉलिश किए जाते हैं। एशियाटिक लायन या दूसरा नाम इसका है पार्शियन लायन, जो शेरों की एक उप प्रजाति है, यह प्रजाति पूरे एशिया में सिर्फ एक ही जगह पे है जो गुजरात के गिर अभयारण्य में है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, गिर अभयारण्य कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात सिंधु घाटी के प्रमुख केंद्रों में से एक है, जैसे लोथल जो भारत का पहला बंदरगाह था, धौलावीरा, और एक दो जो जगह है सिंधु घाटी से रिलेटेड है। तो इन जो मेन मेन है आपको कम से कम ये याद रखना है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, पाँचवा प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावों के निपटान में विलंब करने वाले राज्यों और बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाने के प्रस्ताव को शामिल किया है? दोस्तों ये हो रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावों के निपटान में विलंब करने वाले राज्यों और बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव शामिल किया है। निर्धारित अंतिम तिथि के 2 माह बाद दावों का निपटान करने पर देरी होने के कारण बीमा कंपनियां किसानों को 12% ब्याज का भुगतान करेंगी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जब शुरुआत की हुई थी तो वो हुई थी 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी CEO कौन है? आशीष कुमार भूटानी, ये अभी ज़्यादा दिन न्यू है उनके, इनको बनाए हुए, तो आपको ये भी याद रखना है। जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो है आशीष कुमार भूटानी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में रक्षा खरीद परिषद ने कितने करोड़ रुपए के स्वदेश निर्मित रक्षा उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 9,100 करोड़ रुपए। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 18 सितंबर को 9,100 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों और हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी है। DAC ने T-90 टैंकों के लिए जांच उपकरणों के डिजाइन और विकास को भी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद, जिसे DAC कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ने आकाश मिसाइल के नवीनतम संस्करण की खरीद को मंजूरी दे दी है, ठीक है। आपको बता दें कि DAC रक्षा मंत्रालय का सर्वोच्च खरीद निकाय है। तो ये है निर्मला सीतारमण जी, आपको याद रखना है, इन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, सातवां प्रश्न है। अमेरिका ने हाल ही में किस देश से आयात होने वाली 200 अरब डॉलर के माल पर 10% शुल्क लगाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये किया गया है चीन के अपोजिट, ठीक है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरे दौरे की पहल करते हुए चीन के और दो
दो यहाँ पे है 200 अरब डॉलर के आयात पर 10% शुल्क लगा दिया है। साथ ही चीन ने भी 60 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने का फैसला लिया है। तो इन दोनों के बीच एक तरह से व्यापार युद्ध छिड़ गया है। दुनिया की इन दो बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच व्यापार विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। चीन के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, जी जिनपिंग, ठीक है, जी जिनपिंग इनका नाम है, यहाँ पे आपका स्पेलिंग मैंने लिख दिया है। और राष्ट्रपति यहाँ के अमेरिका के कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 सितंबर 2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त रूप से दो विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, थोड़ा सा चर्चा किए थे, लेकिन आज हम इसके बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना का संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। इसके साथ ही दोनों प्रधानमंत्रियों ने ढाका टोंगी सेक्शन पर तीसरी और चौथी लाइन का भी शिलान्यास किया। 130 किलोमीटर की पाइपलाइन भारत में पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में परबतीपुर को जोड़ेगी, ठीक है। तो अनुमानित परियोजना का जो लागत है वो 346 करोड़ रुपए है और ये 30 महीने इसको लगेगा बनने में। पाइपलाइन की जो क्षमता है वो सालाना 1 मिलियन मीट्रिक टन होगी। यह पहली ऐसी पाइपलाइन होगी जिसके माध्यम से भारत में असम के नुमालीगढ़ से परबतीपुर डिपो में परिष्कृत डीजल की आपूर्ति की जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, नौवां प्रश्न देखते हैं। शहर पर्यटन पर 7वें UNWTO वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सियोल, ठीक है, ये है आपका साउथ कोरिया की राजधानी। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। शहर पर्यटन पर 7वें UNWTO, ये है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक शिखर सम्मेलन 16 से 19 सितंबर तक दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित की गई। शिखर सम्मेलन का विषय था शहरी पर्यटन के लिए 230 विजन। बता दें UNWTO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो सुलभ टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। UNWTO दुनिया भर में ज्ञान और पर्यटन नीतियों को आगे बढ़ाने में समर्थन प्रदान करता है। इसका मुख्यालय स्पेन में है और स्पेन की राजधानी है मेड्रिड। तो इसका मुख्यालय है कहाँ पे, मेड्रिड, ये चीज़ याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, यहाँ पे है स्पेन और यहाँ पे है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी हम अभी चर्चा कर ली, सियोल है जहाँ पे ये सम्मेलन हुआ भी। और कोरिया की जो मुद्रा है वो है कोरियाई वॉन, ठीक है। प्रेसिडेंट है कोरिया के, साउथ कोरिया के मून जाए इन, और साथ ही नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है किम जोंग उन। इसको हम पिछले क्लास में ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लिए थे। स्पेन की राजधानी है मेड्रिड, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं कमलेश नीलकांत व्यास। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कमलेश नीलकांत व्यास को परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। व्यास जो है वर्तमान में, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, वर्तमान में बार्क के निदेशक हैं। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी, तो बार्क का जो फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। और बार्क का ध्येय वाक्य भी पूछ लिया जाता है, ये है राष्ट्र की सेवा में परमाणु, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राष्ट्र की सेवा में परमाणु, ठीक है। तो ये कमलेश नीलकांत व्यास का इमेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचार हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक को एक दंडनीय अपराध बनाने का अध्यादेश को जो है मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर लोगो और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। एमी अवार्ड बेस्ट ड्रामा सीरीज में गेम्स ऑफ थ्रोन्स को मिला है बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड। आज़ाद भारत की पहली महिला IAS अधिकारी अन्ना मल्होत्रा का
91 वर्ष की आयु में 17 सितंबर को मुंबई में निधन हो गया। शीतलन कार्य योजना जारी करने के लिए दुनिया का पहला देश बना भारत। नई दिल्ली में ITU दक्षिण एशिया क्षेत्र कार्यालय और प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र की स्थापना की जाएगी। भारत श्रीलंका ने 5,000 मीट्रिक टन तापमान नियंत्रित वेयर हाउस के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा हाल ही में द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 तक 50% से अधिक नौकरियों पर स्वचालित मशीनें अर्थात रोबोट का कब्जा हो जाएगा। डॉक्टर रघुपति सिंघानिया को मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। तो इतनी सारी बातें आप याद रख सकते हैं। अब दोस्तों, आज का सवाल जो जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हाल ही में किस जगह भारत का पहला श्वान पार्क डॉग पार्क खोला गया, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, अगर इसका जवाब आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब टाइप कीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।